नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। इस वक्त मैं रामायण टोल पर खड़ा हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत किसान खड़े हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज रोड जाम करने के लिए ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसका क्या कारण है और किस वजह से रोड जाम किया जा रहा है, इन सब लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनिल। सर, कौन से गांव से है? नियाणा गांव। क्या कारण है सर? मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी रोड जाम किया गया है। इन्होंने किसानों की इतनी दुर्गति की है जो आज तक कभी नहीं हुई। तो अभी जो ये रोड जाम हुआ है, कब तक आपने रोड जाम करने के लिए सोचा है? जब तक ये तीनों का काले कानून वापसी नहीं हो गए तब तक ये। सर, काले कानून तो बीजेपी कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में है। मेरे साथ इस वक्त बहुत किसान और भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश नियाणा। कौन से गांव से है सर? नियाणा गांव से हैं और कम से कम 250-300 आदमी अभी आए हैं। पूरी रात यहाँ टोल को रास्ते को जाम रखेंगे और पूरा हरियाणा जाम हो चुका है। और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेगा मोदी, तब तक ये रोड को पूरा जाम रखेंगे। कारण क्या है सर? कारण तो ये रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज हुई है, हमारे किसान नेता का बुढ़े के ऊपर कई लाठी लग गई है, वो बिल्कुल क्या टांग तोड़ रहे हैं उसकी कारण मन ये रास्ता बंद कराया है। और अगर मान लो कोई इमरजेंसी केस होता है, कोई लेडी हो, कोई महिला है, अगर वो जाना चाह रही है, जाने देते हैं। जैसे सुन तो ले, किसी के घर में शादी है उसको जाने देते हैं, किसी के पर्सनल दिक्कत उसको भी जाने देते हैं। यदि इस देश और प्रदेश का किसान और मजदूर दुखी है तो इसका मतलब ये है कि पूरा देश दुखी है। और आज ये किसानों के अंदर जो रोहतक के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके बहुत ही निंदनीय घटना है ये। और हम इस देश और प्रदेश की सरकार को जगाना चाहते हैं। अब तो ये टोला भी लग जाम है और यदि ऊपर से आदेश आ गया ये भाई 10 दिन के लिए जाम है, तो भाई साहब हम एक चीड़ी भी नहीं टपड़े देंगे यहाँ से इस टोल के ऊपर से। सर, क्या लगता है आपको, इतना वक्त हो चुका है, किसान जो नेता है जो बीजेपी की अगर मैं बात करूँ, मानने को तैयार नहीं है, सरकार मानने को तैयार नहीं है? सुन तो ले, ये कह रहे कानून बढ़िया है, कोई एक इनका आदमी या कृषि मंत्री है जो इनका, वो आके तो बताए एक बार जनता के बीच में, तो बताए भाई साहब ये सोनाली फोगाट है, कल भी यह बदर बातें कर रही थी किसानों के बारे में। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये जे जे पी और आरएसएस के कुछ दल्ले हैं जो ऐसे चौटाला आए थे अभी सार, उनका काफी विरोध देखा गया, लेकिन कहते हैं कि वो किसान को चकमा दे करके चले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, चोर आदमी चोर रास्ते से जाता है। और हमारे वोटों से बना है भाई साहब, हमने उसकी वोटें डाल ली थी और हमने सोचा था वो देवीलाल का खून है, लेकिन उसका तो पेशाब भी नहीं है, हमने तो उसको वोट दे के बनाया था भाई साहब। और इतना जोर शोर से बनाया था कि ये तो 10 सीटें आई भाई साहब, यदि वो कांड हुआ था, पिपली कांड हुआ था, उसके अंदर यदि ये इस्तीफा देते तो इस देश और प्रदेश का मुख्यमंत्री पाता भाई साहब। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ये गलत चोरी से गया है, वो छुप के गया है। अगर वो इंसान होता, पब्लिक का भला चाहता, लोगों का, किसानों का भला चाहता, तो लोगों में आता, छुप के क्यों भागता? अगर उसमें दम है तो अब भी आके दिखाए, किसान उसको दिखाते। लेकिन सर, वो तो बोल रहे हैं ये जो 3 कृषि कानून है ये किसानों के हित में लाए गए हैं, किसानों से बातचीत करने के बाद लाए गए। ऐसे भाई साहब, मोदी चोर है, चोर रहेगा। एक बात और बताते हैं हम आपको, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे जो पिट्ठू होते थे, जो अंग्रेजों का साथ देते थे, आज के टाइम पे वही स्थिति है। जो आदमी मतलब सरकार पक्ष का, सत्ता पक्ष का साथ दे रहा है, हम उसको इनका पिट्ठू मानते हैं और हमारे समाज का और किसान का, पूरे हरियाणा और पूरे भारत देश का हम उसको गद्दार मानते हैं। ये बस एक दो दिन और हम इंतजार करेंगे, उसके बाद में ऐसे ऐसे लोगों का हम सामाजिक और आजीवन राजनीतिक बहिष्कार करेंगे। रोहतक में किसानों पे लाठीचार्ज भी किया गया? किया है, आज किया है लाठीचार्ज किया है। बहुत सारे बुड्ढों के पांव भी टूटे हैं, लठ भी मारे हैं, वो बिल्कुल नजायज मारे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। क्या लगता है क्यों नहीं मान रही है सरकार? वो तो सरकार की मर्जी जी, सरकार गलत है, बेईमान है, इसलिए किसानों की बात नहीं मान रहे। क्या रीजन हो सकता है जो किस जो सरकार है वो बात? धोखेबाज है जी, सब धोखेबाज है, जितने भी राजनेता हैं सब धोखेबाज है। ये किसानों का भला चाहते ही नहीं, अगर किसानों का भला चाहते तो किसानों के हक में फैसला कर देते। सब बेईमान है, धोखेबाज है। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ टोल पर भी काफ़ी किसान खड़े हैं और जो महम से राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने ये अभी बयान आया था इंटरव्यू में, उन्होंने बोला कि बॉर्डर पे तो कोई किसान है ही नहीं, ये सब वही लोग हैं जो मुफ्त की रोटियां तोड़ने आते हैं। ना ना ना, ये गलत सोच, उनकी गलत बिल्कुल सोच है जी, सब किसान है, किसानों के पुत्र हैं, सब किसान है, ये झूठ है जी। भाई साहब मैं बोलूंगा एक मिनट। हाँ जी बोलो भाई साहब। यो तो सर कुत्ता रुखाड़ी से दुष्यंत है सरकार का, और कुछ कौन सोता है इसका?
मालिक कोई है कुत्ता कोई है। उसने भगत बढ़िया बात कही थी भगत सिंह ने, बोला ये रेल में थे हम जेल में थे, ओए राज पे कब्जा करे जो अंग्रेजा खेल में थे, हम तो धक्का पेल में थे बने बनाए खेल में थे, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जैसी फांसी चढ़ गई टोलिया उनके बलिदान में ताज बोल रहे हैं बोलिया। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, हमारा देश में भाई साहब इतना कुछ होया है जिन गुंडिया ने कुछ भी घूमेरा। एक उद्यम था मानोयम था, बाप का बदला लेके छोड़ा उसी बहादुर का दम था, 21 वर्ष का मातम था उसको यही रंजगम था। लंदन में जाकर जिसने मारी जनरल डायर का गोलियां उनके बलिदान दुश्मन दादर बोल रहे हैं बोलिया। क्या लगता है सर, क्या लगता है सर, जो लाठी चार्ज हुआ है? जी जी बोलिए बोलिए। आज यह सिस्टम मिल रहा है भाई, चाहे कोई कुछ जात का हो किसी बिरादरी का हो सब एक है। इन्होंने ऐसा काम कर दिया सब भाई ना भाई लड़ान लग रहे हैं। हम एक बात कहूं भाई, ओ मजदूर किसान क्यों सोवत से दरतान, इस बीजेपी सरकार के लिए पड़ रहा पाड़ा से और मारे बिना दुनिया का भी कौन रुखाड़ा से। ये लीडर फेरे से भागे और मारी बिजली ने कती बेच के खाएगे, ईब तलक भी हमें क्यों ना जागे, ये कौन घोटाला से और मारे बिना दुनिया का भी कौन रुखाड़ा से। सारी चीजा की बड़ी महंगाई मारी जनस की कदे भी कौन कीमत बढ़ाई, ईब तलक ना हो छुड़ाई के मोदी तेरा कानून साड़ा से और तेरे बिना दुनिया का भी कौन रुखाड़ा से। ओ मजदूर किसान की सोवत से दरतान, कव दलीप जाट प्रचारी, भाई जाट से बेसन तो मैं बिरादरी सब एक है, कव दलीप जाट प्रचारी जे काट दे किसान दिलता फूट बीमारी और नन्ना राम भी जाना सारी और न्याणे आला से ना तेरे बिना दुनिया का कौन रुखाड़ा से। ओ मजदूर किसान की सोवत से। जी सर क्या लगता है आपको, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा पीछे अगर आप वीडियो में देखें तो जो किसान है वो कितना परेशान हो चुके हैं बीजेपी सरकार के। एक मिनट, हाँ जी, किस क्या लगता है सर, क्या लगता है आपको जो आज लाठी चार्ज भी हुआ, सरकार क्या चाहती है आखिर? देखो सरकार आप एक मिनट, सरकार आम जन की आवाज को दबाना चाहती है, मतलब अपनी ताकत को दिखाना चाह रही है। सरकार ने अपनी ताकत को आजमा भी लिया और देख भी लिया, यहाँ दुष्यंत आया था उसको हमने तड़े नहीं उतरन दिया, पीछे तो बाज गया कि देते, और आज खट्टर ने भी देख लिया। ये सरकार टोटल ये देखना चाह रही है कि भाई मतलब एक वो होता है मतलब छोटे नेता को अपनी पॉपुलरिटी दिखाने का तरीका, भाई ये किसान किमें गलती कर दें और तम मीडिया में प्रचार कर दो, भाई तारा भर गए दो चार भाई हमारा साथ देने ला रहे हैं। मीडिया में प्रचार से भी कुछ नहीं है, सारा देश देख रहा है। ऐसा है मीडिया मतलब जो बड़ा मीडिया है ना वो तो टोटल किसान के खिलाफ है, किसान के क्या खिलाफ है ये मानो कि सरकार की कठपुतली है। वो आज ऐसा माहौल बन चुका है मतलब जो मीडिया दिखा रहे हैं ना उसको लोग देखना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है मतलब मीडिया टोटली बिका हुआ है। और आज जहां जहां आपने देखा कल दुष्यंत के भी और आज खट्टर के भी और तड़के कोई और बड़ा है जियो भाई आड़े तो पंजे टिकन नहीं देंगे, यह गारंटी है। मीडिया क्या दिखाना चाहे ना दिखाना चाहे वो कोई दिक्कत नहीं, मारा भाईचारा देखा है भाई, मारे दिल में यह बात है ईब हम सरकार की एक बात भी नहीं एक भी चीज के उसमें नहीं आना चाहते भाई, कोई भी जालसाजी कर सके हैं फूट डालने के नरे नरे तरीके। लोग तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी सरकार का एक ही कंसेप्ट हुआ करता था फूट डालो राज करो, लेकिन वो नहीं कर पाए अब की बार। हाँ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि किसान भी मजदूर भी कर्मचारी भी और भाई गरीब भी अमीर भी सारे रगड़ दिए सरकार ने ए टू जेड। और एक और नई बात बताऊं, आज ही मेरे को पता चला बिल को 3 गुना बढ़ा के दे दिया, तड़का हम नहीं भाई सारा देश होगा, हम तो आगे आड़े खड़े हैं, तड़का सारा देश इनका गल गल होगा। जिसका आज 1500 रुपये बिल था ना उसका 4500 रुपये बिल आ रहा है, सरकार ने यह कह दिया कि जो आज का बिल है उसकी 3 गुना सिक्योरिटी सरकार पहले ले होगी। क्या था भाई हम चोर हाँ हम ना आज लग बिल नहीं भरे, मतलब सरकार ने ऐसी नीतियां बना दी मतलब सोच से परे। आज आज हमने तो एक यो जागृति मंच बनाना था, ईब पब्लिक जाग चुकी है आप पे आ जाएगी रोडा पे, हम तो आड़े खड़े हैं और उनका आगे आगे रहेंगे भाई। हम तो कहाँ भाई हर आदमी
आज जो इस सरकार ने परेशान कर रखा है, तानाशाही का राज है, पैड की बगाना पड़ेगा नुजा को नहीं। तो सर कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक फोन कॉल दूर हूँ, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार खड़ा हूँ। भाई किसने कितने फोन हुए हैं ये एक बात बताओ आप, उसके पास में हम फोन कराए तो आया होगा क्या? ये कितने आप यहाँ से निकल लो, पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कौन सा स्टेट ऐसा है जिसका किसान खुश है और जिसके किसान की आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा? ये हरियाणा, पंजाब एक दो स्टेट ऐसे थे जिसमें MSP पे बिकता था। बिहार के लोग देख लो आप कितनी सौ रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाके देख लो, ये जो पहले वहाँ पे ये लागू थे इसी वजह से था। अगर ये इतने सच्चे हैं तो एक आदमी जैसे आज रोहतक में मुख्यमंत्री आ रहा था, एक आदमी आया है, ये किसानों को तो कह रहे हैं पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। आज रोहतक में आपने देखा कितनी पुलिस फोर्स थी, कितना क्यों डर है इनको, आप लोगों से क्यों डर है किसानों से? इनको पता है कुर्ते पाड़ेंगे, ये तानाशाह रवैया अपनाना चाहते हैं और देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन देश का एक एक नागरिक, एक एक किसान, एक एक बूढ़ा बुजुर्ग इस देश को गुलाम नहीं होने देगा, छाती पे गोली खाएगा, लेकिन थोड़े दिन और इंतजार करेंगे, उसके बाद में इनके घरों के बाहर तंबू लगाएंगे और गुद्दी पकड़ पकड़ के इनको रोड के ऊपर नाक रगड़वाएंगे, आप ये बहुत जल्द देख लेना। तो सर आपको क्या लगता है, पूरे के पूरे आक्रोश का, पूरे के पूरे विद्रोह की जिम्मेवार मोदी सरकार, दुष्यंत सरकार और जितनी भी बीजेपी के साथ में जो जो पार्टियां सारी हैं, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन इस देश में बहुत बड़ा विद्रोह होने जा रहा है, ये मैं आज आपको बता देता हूँ, ये नोट कर लेना। दुष्यंत चौटाला की भी अगर मैं बात करूँ तो जब वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने बोला था मैं किसान भाइयों का किसान भाई मेरे, तो आज वो क्यों नहीं आप लोगों के साथ आकर के खड़े होते? इसका ये बेईमाना है, अगर ये किसान होता और किसानों के पक्ष में होता तो आता, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता में मलाई खाने के लिए लोगों को झूठ बोल के बरगड़ा के सत्ता में आके बैठ गया। ये पाछे तो कुछ भी हो उसको कोई मतलब नहीं है, ये बोल रहा है कि ये लोगों के भले के लिए हमने कानून बनाए हैं। अरे इतने अगर भले के होते तो रोड पर किसान क्यों होते? ये भी पिछले साल एक बनाया था, मेरा खेत, मेरा पोर्टल, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा पोर्टल बना था इसने। एक बात बताओ, एक PhD करे रहे किसान ना आप खेत में भेज दो, आज के हालात ऐसे हैं 10 दिन के अंदर उसको कह के याद नहीं रहेंगे भाई साहब, और फोन पे मैसेज भेजना और रजिस्ट्रेशन करवाना ये तो खाम गए की वाहियात बात है। किसान को अपने खेत से पानी देने से, नुड़ा करने से, घास पाड़ना, स्प्रे करना, इन्हें चीज़ों से फुर्सत को नहीं, ये कागज़ उठा के कदे फड़द निकलवाओ, तीसरे दिन फिर कोर्ट में जाओ, इंटरनेट बंद है, कदे कुछ बंद है, आधी फसल तो उसकी ऐसी ही खराब हो जाती है। हम इन सारे कानूनों के खिलाफ हाँ, और जो पहले था हमें MSP मिलना चाहिए और गेहूं का दाम कम से कम 4,000 रुपये गेहूँ का दाम होना चाहिए, और जो गरीब जनता है उसको सरकार सब्सिडी के तहत 1,000 रुपये से नीचे सर, दे। मैं देख के आ पा रहा हूँ कि काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है, तो आखिरकार परेशान तो पब्लिक और किसान ही हो रहे हैं। इसी विषय में मैं बोल रहा हूँ, अब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, देखो हमारे ऊपर भी नेता हैं, हमारे 40 मेंबरीय कमेटी है, हम आज कहेंगे कुलदीप को यह चीज़ ज़रूर डालेंगे, हम आज से हमने ये सोच लिया भाई पब्लिक ने परेशान नहीं करेंगे, तड़का ये तंबू नेता आगे गंडांगे, उनकी कोठियां आगे बैठांगे भाई, आड़े पब्लिक ने परेशान, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ना, रोड ये कह रहे हैं कि हम जितने भी नेता हैं बीजेपी के बड़े से बड़े, हम उनकी कोठियों के बाहर जाकर के धरना देंगे, परेशान नहीं करेंगे, क्यों करेंगे भाई? पब्लिक हमारा पब्लिक हाँ, पब्लिक को हम परेशानी में नहीं डालना चाहते किसी भी कोशिश में, हम सिर्फ सरकार की आँख खोलना चाहूँ भाई, ना तो हमने कोई पब्लिक तो द्वेष, ना किसी तो न्यू भाई, हमने किसी का भाईचारा तोड़ना है, तड़का तो तंबू भाई कोशिश करांगे, अगर जब हमारे नेता का कल से हुआ है ना, सिर्फ 100 रुपया खर्चा है भाई, आड़े को नहीं ओड़े तंबू लाएगी उसका घर का आग गए, तड़का तो आप अपने ओड़े जाएंगे भाई, अच्छा शुरुआत कहाँ से करोगे ये तो बता दो, आप अपने हल्के भाई माम तो बहना का आग गाड़ा है भाई, और न्यून वाले काटेंगे जोगीराम से आग का आग है, और भाई जो से न्यूनता रही हम पर लाके काटेंगे, जोगीराम से आग तो न्यू क्या करता कि मेरे पे इस्तीफा मांगने तो आओ मैं दे दूंगा, ऐसे मांगेंगे भाई यार, सुनो कमाल की बात है, जिसने देना था उसको मनाही भी नहीं है, वो तो इस्तीफा दे चुके, और जिसकी इच्छा हो ना नटता भाई लेनिया स्पीकर बैठा जाए कि इस्तीफा दो और आ जाओ, ये बिछरे तरपालर, ये बिछरे वो भाई गद्दे आओ स्वागत है, लेकिन ये बरगलाने वाली बात है भाई, मांगने आओ कौन मांगने जाओ भाई, दुष्यंत और बीजेपी के, दुष्यंत और बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं कहना चाहते हम कि इस्तीफा दो और हमारे बीच में आओ, कोई भी सच्चा
जो आज हरियाणा में, हम तो हरियाणा के हरियाणा में मांग सका भाई, जो भी सांसद किसी भी पार्टी का है, कोई भी एमएलए किसी भी पार्टी का है, सब पर इस्तीफा मांगा हम, ना कि दुष्यंत और बीजेपी में मांगा। जिस आदमी ने इस्तीफा दे दिया उसके साथ में यह पब्लिक हर घर बैठा बनाने का काम करेगी, ये आप देख लेना। इस्तीफा दे गया हम ही उसे अटकी हूँ उसे स्थान पर बैठावांगे, यह गारंटी हमारी। 90 के 90 एमएलए, 89 नहीं 88 रह गए हरियाणा में, 88 के 88 एमएलए, ये याद रख लेना। कदे ये नू बहाने बना रहे हो, हम तो कांग्रेस के यहाँ, हमें निर्दलीय। आपने कांग्रेसियों की बात करी, क्या लगता है आपको, जो अपोजिट पार्टी की अगर मैं बात करूँ, क्या वो फायदा उठा रहे हैं आप लोग जो ये किसान आंदोलन चल रहा है उसका? बिल्कुल उठा रहे हैं ये फायदा, ये बिल लेके उठा दिया। अगर इतने सच्चे थे सीए कोई भी पार्टी है तो किसानों के बीच में इस्तीफा दे के, किसानों के बीच में आना चाहिए मेरे भाई, वो भी एक किसान, उनको पता है किसानों के साथ में क्या ज्यादती हो रही है, वोट मांगने आ जाते हैं, उस टाइम पे झूठ बोल के वोट ले जाएंगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। अब कोई भी लीडर एक बार फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आता है, 5-10 मिनट आता है और फिर अपना आराम तो जाके नगर बैठ जाता है, और बताओ क्या उनका तो मौज हो रही है किसान आंदोलन का। ये जो अपना आराम तो रेस्ट, जो आपने रोड जाम करने का अभी जो निर्णय लिया है, ये कब तक आप रोड जाम रखेंगे? ये तीनों कानून वापिस लेने पड़ेंगे, जब तक तीनों कानून वापिस नहीं होंगे तब तक कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कोरोना वाली बात है, ठीक है सर, कोरोना तो यूं नहीं मान लो, कोरोना है क्या भाई, अरे ये तो जदे जागा जदी कानून जांगे, ये हमने मास्क लाए दिए बस। ये हर एक टोल के ऊपर नेट बंद कर दिए भाई, और ये नेट कितने दिन तक बंद करेंगे मैं ये भी पूछना चाहूँ। और जितने भी भाई सुन रहे हैं, अपने अपने नजदीकी धरना स्थल पर जाके ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों का साथ दें जी। आप देखते रहिए हमारा चैनल, और आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे पेज पे फॉलो कर लीजिए। एक बात का संदेश हम आपके माध्यम से सरकार को देना चाहते हैं भाई, ये हमारे जितने भी लीडर हैं, पहले तो एक बार जैसे राकेश टिकैत को उठाने की कोशिश करी गई थी, रवि आज़ाद जो हमारा 2 दिन से जेल के अंदर है, ठीक है, और जितने भी हमारे किसान नेता को अरेस्ट किया है, सरकार कान खोल के सुन ले, 24 घंटे के अंदर इनको बाहर कर दे, इनको रिहा कर दे, नहीं तो सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ये चेतावनी भी है और एक सलाह भी है। और ये जो भी नेता किसानों की आवाज उठाता उसको आवाज दबाने की कोशिश, हां तो का होते हमें नौका थे भाई, खट्टर ने भी, खट्टर के वो नहीं हो 6.5 फुट की लंबी, उसने भी अगवा या तो रवि आजाद ने वो कर दे रिहा, और नहीं तो अरे काम गला नाक के लगाए थे हमारे, कोई कुछ काम नहीं, हमारे इसी घर रोटी खानी, इसी जेड़ा में खानी, छोटा को नहीं इन्ना कुछ भी कर लियो, हमारे जितने फायदे हैं मेरा ना हमारी किसानी के, इन्ना को नहीं मेरा, ये ना सोचा ना, ये तो टोल से रह रहे हैं, ये अंबानी के बिल हैं भाई, किसान के बिल नहीं है ये, अडानी रमानी के बिल है, मारा गला तो धोखा दे, टोपी देने वाला काम करे हैं, इसी टोपी लेनी है को नहीं, हमें मोदी बन रहे होगा अंबानी और की बहू, हमें नहीं बन रहे, हमारा ना अंबानी और की चोन नहीं ले रखी, ना उसका दम पर कदे इलेक्शन लड़िया, समझा हमें जियो हाँ तो मारा दम पर जियो, हमारा दम पर सांस लिया, और मोदी में जितनी ताकत से हमारा सांस रोक के दिखाई दिया उसी दिन मान जाएंगे। क्या लगता है सर, मोदी सरकार अब तक तो मानी नहीं, अगर आगे नहीं मानती तो आगे आपका क्या स्टेप हो सकता है? और जोर बढ़ावांगे हमें, इस ना आंदोलन ना बढ़ाते जावांगे, हमें जाम भी बढ़ावांगे। आपने तो स्टेप बात उठाई है, उसके लिए हम कहते हैं हमारे बड़े हैं ना, जिस दिन ऑर्डर दे देंगे उस दिन हम, इसका भी आपने जो बात बोली है उसका भी जवाब हम देंगे, जो आपने बोली है रिपोर्टर साहब उसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन आप याद रखना इस बात को, जो आपने बोली उसका जवाब हम टाइम पे दें, जब भी हमारे खिंड के वालों की इज्जत में बात आएगी ना उस दिन भी हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। सर मैं आपसे सिर्फ ये चीज पूछना चाह रहा हूँ, काफी समय हो चुका है किसान आंदोलन को, और किसान जो है परेशान होते जा रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, गर्मी का मौसम है, अगर वो मोदी सरकार नहीं मानती है तो आगे आप लोगों का जो स्टेप होगा वो क्या होगा? एक बात बताइए, हमारे चाचा ताऊ जो आर्मड हैं वो फौज में बैठे हैं, अगर हम चाहे उनको वापस बुलाए तो दुश्मन अंदर आ जाएगा ना, तो इसी तरह से सरकार भी हमारी दुश्मन है, ठीक है, जिस तरह हम चाहेंगे ना, जब बड़े हमें कहेंगे कि बेटर लेस हो तो उस टाइम हम भी बताएंगे, क्योंकि टाइम हमारा भी आना है, अभी सरकार का है 5-10 साल बाद टाइम हमारा आना, लेकिन वो एकता हमें देखनी किस तरह से लैस करनी, किस तरह से एकता संगठन तैयार करना है, जैसे क्रांति पैदा करनी है कि कौन गांव में बढ़ता है, किसको बाहर निकालना है, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक है। नाम प्रदीप तो बीजेपी, नहीं नहीं भैया पहले मेरी सुन, हाँ जी बोल, आपकी बात में कहना, हम देखेंगे उस चीज को, बहुत सहन कर लिया करते आए हैं, मानते हो
ये बूढ़े खादी पहनते थे लेकिन हम फिर भी जींस में रहते हैं, क्या कहते हैं कि ये तो किसान नहीं आतंकवादी, वो भी साबित करके दिखाएंगे कि ये किसान के ही बेटे हैं। दैट्स ऑल, उसको भी बुलाएंगे, टाइम आएगा जब ये बता किसान के सामने कैसे आ गया, वो टाइम भी आएगा। अगर जीवित रहे तो हम दिखाएंगे उनको कि ये हमारे माँ बाप, ये हरी पगड़ी, नीली पगड़ी, सफेद पगड़ी, अगर लाल होने पर आ गई तो उसको लाल करके भी साबित करेंगे कि हमारा हक क्या है और कैसे लेना जानते, अगर कोई नहीं देता तो उसको छीनना भी जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम प्रदीप कुमार, श्री धर्मवीर सिंह एक्स, 124 INA बटालियन सिख रेजिमेंट से। ये थे प्रदीप, ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने हमारा हक अगर वापस नहीं लौटाया तो हम अपना हक वापस लेना जानते हैं। जिस तरह से दुष्यंत ने हमारा फद्दू बनाया है ना, उस तरह से हम भी जानते, हर एक आदमी को हम भी जानते हैं फद्दू बनाना, लेकिन हम कभी किसी की गर्दन पर कटार नहीं रखते। एक टाइम आएगा जिस दिन दुष्यंत हमारे बीच में आएगा, उस दिन मैं बात करूंगा अगर जीवित रहा तो। जीवित क्यों नहीं रहेंगे सर आप? नहीं, वो मैं ये देखो, वो फौलादी जिगर यहाँ से बोल रहा है, वो सभी टाइम आने पर बताएंगे कि वो फौलाद कहाँ से पैदा होता है। कुल्हाड़ी धर जाए, कुल्हाड़ी ठीक है भाई, क्या मेरे भाई ने बात बोली थी, मुझे आज भी वो याद है कि हमने बिंडे तेल में गेड रखे हैं, वो मेरा भाई यहाँ पर आ जा, भाई मेरे सामने आ जा, भाई पीछे ना जावा उरा आजा, तेरी उस बात से है ना मेरा जिगर उठा था, नहीं मैं कदे भी ना आया था। इस मेरा भाई ने मेरे मदरा प्याऊ पे एक बात बोल दिया, हमने बिंडे तेल में गेड़ रखे हैं, अगर वो साबित कराना चाहते हो मेरे बड़े चाचा था वो एक दिन ऑर्डर दे दियो, हम वो भी साबित करके दिखा देंगे। तो किसानों में कितना रोष है बीजेपी सरकार को लेकर के और इन तीन कृषि कानून को लेकर के, आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ प्रदीप है और वो कह रहे हैं कि अगर उन्हें उनका हक वापस नहीं मिला, किसानों को उनका हक वापस नहीं मिला, तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे। और सुन भाई, भाई का कुछ एक नहीं होता, सारा भाईचारा इकट्ठा है, किसान एकता, किसान एकता, आना सही नहीं चलेगी भाई, नहीं चलेगी, हम बिठावांगे शामी आना, नहीं चलेगी, हम बिठावांगे कुहाड़े बिठावा सीधे गेटी में, कुहाड़े बिठावांगे, कोई शामी राजी हो भाई को नहीं मरता, वे मरेंगे, वे मरेंगे भाई, हमने रवांगे। अगर सच में अगर आप है ना हमारी रिकॉर्डिंग करें तो आपको दिखाना पड़ेगा, ये रिकॉर्डिंग का चलो सर, बिल्कुल अनकट चलेगी, मत करना कि किसी चीज को डिलीट कर, सर ये अनकट चलेगा, लगा दो अपनी मीडिया है, बस अपनी मीडिया है, अपनी मीडिया है, भरोसे से स्पीच दे रहे हैं सर, ये अनकट चलेगा, अभी थोड़ी देर में गुफ्तगू चैनल पे आ जाएगा, आप यूट्यूब और फेसबुक पे सब देख सकोगे, अगर घर से उठाना चाहते हो तो घर से उठा सकते हो, और जहां पर बैठा के बात पूछना चाहते हो बात करने के लिए भी तैयार है। सुनो मेरी बात, ये मोदी, यो के मोदी, हमें कुछ मोदी कुत्ता, हाँ जिस दिन मेरे चाचा ताऊ बड़े एक बार हाथ निकाल कर ये कह देंगे बेटा जो जानते हो कर दो, वो भी करके दिखा देंगे। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कुछ और किसान है काफी संख्या में आ रहे हैं, आप देखिए, ये देखिए,